सोमनाथ शर्मा के जो डॉक्टर्स गए हैं और हमारी सरकार की जान है जिन्होंने कोविड में अपनी धर्म पत्नी और अपने बेटे को छोड़ा है। नवीन जी दो जाने जीने के घर से जो हमारी दुनिया से चार बड़े प्रभाव रह चुके हैं वो नेशनल मिनिस्टर के सचिव है। मैं उनका ज्ञान आने पर धन्यवाद करता हूँ जो सारे सभाव से जुड़े हुए हैं धन्यवाद करता हूँ। नाउ मेरा रिक्वेस्ट कवरपाल जी ने शायद जल्दी जाना है क्योंकि हमने कुछ करूंगा आदरणीय मनोरंजन सिंह साहनी जी उसके बाद रेणु जी घनश्यामी बोलेंगे डिप्टी कमिश्नर साहब जैसे उनके यहां रिप्रेजेंट कर देंगे हम सब मिलकर आपका सबका मैं तो कहता हूँ नाच हमारे साथ करके जाओ भाई दोबारा मौका नहीं मिलेगा। बड़ा अच्छा मौका है बड़ा ये जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन यमुनानगर विद द बेस्ट पार्ट अबाउट मिस्टर साहनी एंड मिस्टर पास इज दैट दे केम टू यमुनानगर इन 1952 पार्टी दे केम टू यमुनानगर हिज फादर स्टार्टेड अ फैक्ट्री अगर भाई साहब ने देखे होगी सोने को बीटी को पीछे फैक्ट्री यूनिवर्सल मेंबर ये मैं क्योंकि करोलपाल जी बड़ी व्यवस्था कवरपाल जी शहर की जान है और ये उसी कारण से आपका आने का यहाँ पर धन्यवाद। नाउ आई वुड लाइक टू कंक्लूड द फंक्शन विद वेरी फास्ट फैशन प्रोटोकॉल वाइज आई मे रिक्वेस्ट विल रिक्वेस्ट मिस्टर कवरपाल जी डीसी साहब एमएलए साहब एमएलए साहब थैंक यू सर थैंक यू Thank you, Emma. Thank you. It balances the entire system. So journalists deserve utmost respect in society. And I congratulate Ashwini Datta ji for having organized this function today in our college. And I am very thankful to all of you who have come. Thank you. यमुनानगर से विधायक घनश्याम दास अरोड़ा जी जो अभी हम लोगों के बीच से गए हैं रादौर से विधायक श्री विश्वनाथ सैनी जी यहाँ से हमारे जिले के डिप्टी कमिश्नर पार्थ गुप्ता जी और इस कॉलेज के प्रिंसिपल बहन शारदा जी और पूरे जिले से हमारे यमुनानगर से और पूरे हरियाणा से यहाँ पहुंचे सभी पत्रकार छायाकार बंधु सबसे पहले तो मैं आप सबका अपनी ओर से स्वागत करती हूँ आप सबका यहाँ पहुँचने पर आभार व्यक्त करती हूँ और मैं अपना सौभाग्य समझूंगी कि आज मुझे आप लोगों के बीच में पहली बार इस प्रोग्राम में आने का मौका मिला। प्रवीण मोदगिल जी कल मेरे पास इन्विटेशन देने के लिए आए कि मैडम आपने हमारे इस प्रोग्राम में पहुंचना है तो मैंने उनसे यही कहा कि मैं जरूर आप लोगों के बीच में आऊंगी और आप लोगों का जो प्रोग्राम है इसमें मेरा फर्स्ट टाइम आप लोगों के बीच में आना होगा। वैसे तो आप सभी यमुनानगर से हमारे जो छायाकार पत्रकार बंधु है हर प्रोग्राम में मिलते हैं और आप लोगों से मुलाकात भी होती है तो मैं तो आप सबको यही कहूंगी कि मिर्जा जो हमारे हरियाणा का पूरे देश का हुआ है तो मेरी मैं तो कहूंगा भाई तो मेरे पीछे कौन श्री भाग के पीछे वैसे आ जाओ आप मेरा इंटरव्यू ले लो कहने का मतलब है वैसे आ जाओ तो इस प्रकार के काम भी इसके ऊपर जो कुछ है वो ना तो मैं ला सकता हूं ना ही योगा साहब ला सकते हैं ना ही किसी साहब ला सकते हैं ना ही कोई पुलिस ला सकते हैं ये इस प्रकार
का जो अंकुश है वो आप लोग लगा सकते हैं, वो काम हम नहीं होता। तो बात की हो वो डिमांड बीटा हुई 5 लाख 10 लाख 15 लाख का इंश्योरेंस के वो रखे एक मीटिंग अंदर की सोमना जी थे कदुरिया जी थे। हमें अगला जी ने रिक्वेस्ट करी कि पत्रकारों को हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में लाया। तो अभी दुविधा की बात थी कि कैसे करें, अगर आयुष्मान में रहते हैं तो आयुष्मान में तो इनकम की लिमिट आ जाती है 2 लाख से ज्यादा वाले चलाने। तो मुख्यमंत्री जी ने एक बार अनाउंस भी कर दिया और कार्ड भी दे दिए लोगों ने, बाद में अगर प्रॉब्लम बना लेकिन ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। तो अभी अगर बात जब डिस्कस हुई वो एक मैं सीएम साहब से डिस्कस कर लेता हूँ और आपकी सीमान को भी मेक आउट करवाने का पूरा प्रयास। इस दौरान हरियाणा सरकार ने जो उनके अपने एम्प्लॉई हैं उनको हेल्थ कार्ड देने का फैसला किया ताकि अपने जो कर्मचारी उनको उन्होंने कहा कि हम कवर देंगे और कैशलेस कार्ड देंगे। प्लान बनने वाली एक स्मार्ट अफसर की तरह से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इधर मुख्यमंत्री जी के साथ उनकी मीटिंग चल रही थी, मुख्यमंत्री जी ने कितने कर्मचारी हमारे पास हरियाणा में हैं, उन्होंने कहा लगभग 3 लाख 3.5 लाख। क्यों ना हम उन्होंने अनेक अगरवाल जी मुख्यमंत्री जी क्यों ना हम 1500 के आसपास पत्रकार हैं हरियाणा में, इनको भी उनके साथ अलग कर और हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में ले। वो डिमांड मीट आउट हुई अनाउंस हुई इसको और मैरिटीज हैं क्योंकि अभी वो जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कर्मचारियों के साथ ही इम्प्लीमेंट होनी है। तो गवर्नमेंट की बड़ी प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट ने डाटा इकट्ठा किया कि एम्प्लॉइज का अपने कार्ड बन रहे हैं उनके, उसी के साथ ही रिजल्ट इसका होगा। हमारी डिमांड है जो सरकार से हमने व्यक्ति मुख्यमंत्री से मिलने गए चलिए उनसे किसी प्रकार से जो पत्रकार एक्रेडिटेड नहीं जो कि मेन चल मेन डिजाइन का हमारा उनको कम से कम हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में लाया। हमें आश्वासन मिला इसके लिए कोई रास्ता निकालेंगे कोई तरीका निकालना पड़ेगा क्योंकि एक्रेडिटेड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। तो नॉन एक्रेडिटेड है उनके लिए थोड़ा सा एक वे ऑफ निकालने की जरूरत है। प्रदेश के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में मेरे सहयोगी विधायक श्री विश्वनाथ जी, विधायक श्री रघुवाला जी, हमारे जिला के माननीय उपायुक्त श्री पार्थ गुप्ता जी, मेरे बड़े ही मित्र सहयोगी वेलविशर और मेरे चिंता करने वाले श्री मनोरंजन सिंह जी साहनी और सभी पत्रकार मित्रों, पत्रकारिता अपने आप में एक बहुत जोखिम भरा काम है। यूक्रेन में अलग अलग एंकर्स जाकर युद्ध क्षेत्र में रहते हुए पत्रकारिता का दायित्व निभा रहे हैं, इससे बड़ा जोखिम कोई हो नहीं सकता। और सामान्य जीवन में भी पत्रकारिता एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। मुझे अभी बैठे बैठे ध्यान आ रहा था कि वाटरगेट स्कैंडल जो अमेरिका में हुआ उसको भी एक पत्रकार ने, खोजी पत्रकारिता उसको कहते हैं, उसने उजागर किया था। और अपने यहां भी जो सामान्यता नजर आता है
वो पत्रकारिता नहीं है। जो नजर नहीं आता अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए पत्रकार मित्र उसको जनता के सामने लाते हैं, असली पत्रकारिता वो है। और उसमें बहुत बड़े इंस्पेक्टर जुड़े रहते हैं, बहुत बड़ी चुनौतियां रहती हैं और बहुत बड़ा संतुलन बनाए रखना होता है। पत्रकारिता को प्रभावित ना करे कितनी बारीक रेखा है ये आप पत्रकार मित्र बड़े ही सहजता से इसका अनुमान लगा सकते हैं। रायगढ़ हमारे विधायक पीएल सैनी जी, रेणु बालाजी हमारे डीसी साहबान, उपस्थित सभी महानुभाव, आपका कार्यक्रम तो काफी देर तक चलने वाला है। मैं समझता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण लोग यहां पर सभी आज उपस्थित हैं, जो लोग समाज को एक दिशा देते हैं और लोगों के हित के लिए हमेशा रजनीश काम करता है। जिन लोगों की कोई सुनने वाला नहीं होता उनकी सुनाने का काम जो है हमारे अखबार हमारे रजनीश करते हैं। कई बार इस प्रकार की छवि रहती है, वैसे कुछ मान सबके बारे में ऐसे है, लेकिन मैंने स्वयं देखा है। एक बार मैं इन सभी जर्नलिस्ट को हैदराबाद लेके गया, कोई कार्यक्रम था, कार्यक्रम में ले जाती हूँ, लेकिन तभी एक दो घटना घटी थी स्लीपर को ही, और हम खाना खाने लग रहे थे, प्लेटें आके लग रही थी, बस खाना लेके ही आना था और ये सारे के सारे छोड़ के प्लेटें वैसे ही वैसे वहां से दौड़े। तो ये उन्हीं लोगों को पता होता है जो लोग काम करते हैं या जो लोग उनके नजदीक होते हैं, आम समाज को इस बातों का पता है। और इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था, समाज की बात, उसके लिए हमेशा इस प्रकार से जागरूक रहते हैं। तो मैं आप मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज कोई जो भी चर्चा आपने रखी होगी तो निश्चित तौर से बहुत ही सार्थक चर्चा होगी, और आप इसी प्रकार से उस प्रकार से चौथा स्तंभ कहा जाता है उस प्रकार से ही आप लोग काम कर भी रहे, आगे करने वाले हमारे बैठक भी करेंगे। और मैं समझता हूँ से 2 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ, कुछ करता खोलता भी करना पड़ता है। नहीं 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 भाई दो पत्रकार रह गए, ये आप आ जाओ। चलो अब ये कर दे, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेणु बाला जी। चलो रेणु जी और जी आप मैं रिक्वेस्ट करूंगा कवरपाल जी और सुंदर मेहता जी को, आजय को, कि वो डिप्टी कमिश्नर महोदय को एक मान सम्मान के रूप में दोषारा रिक्वेस्ट करूंगा जो इस कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी हम रंजन सिंह सानी जी को सब मिलके। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डायरेक्टर वृंदा गांधी जी भी को मान सम्मान को मैं आप गुजारिश करूंगा। धन्यवाद गोपाल जी। एक मंत्री जी हमारा अनुरोध है कि सरकार ने हमारी कहा था, सीएम साहब ने खुद जो फंक्शन किया था कैसे बढ़ोतरी करेंगे वो पार्टी है। छोटे छोटे पत्रकार बहुत पैदा हुए जो कि हर वक्त कहीं ना कहीं, चाहे वो
आप ही मान लीजिए ब्लैकमेलिंग के लिए, या फिर वैसे ही अपना माइक और एक वो जो तो सेल रखते हैं टेलीफोन सेल वो ले लेते जगह रख रहे हैं, जो ये छोटे छोटे लोग भी जगह रखते हैं उनकी क्वालिटी से क्या है। मैं तो यही देता है अखबार में उसमें अपने एड निकाल लेते हैं कि वे दौर में काम कर पत्रकार की जरूरत है, और वो जो है क्या करते हैं कि जिनको कुछ पता ही नहीं है वो बाइक लेके घूमे बाइक लेके घूमे, और कोई उनकी ना तो क्वालिटी का पता है ना किसी चीज का पता है, वो हमारे से भी और फिर अधिकारियों से भी इस प्रकार के क्वेश्चन उठाते हैं जो क्वेश्चन आप लोग जो पढ़े लिखे को बता रहे हैं वो नहीं बढ़ा सकते, जैसे वो उठा गए जिनका जवाब पूछते, तो ये भी इसके ऊपर भी जैसे आपकी यूनियन है हरियाणा प्रदेश की है और राष्ट्रीय यूनियन के साथ जुड़े हुए आप लोग कुछ ना कुछ इस बारे में भी आप लोगों को विषय उठाना चाहिए। तो मेरी जितनी कितनी उम्र है मैं तो कहूंगा भाई मेरी चौरस की बात पीछे रहे हुए वैसे आ जाओ आप मेरा इंटरव्यू ले लो कहने का मतलब है वैसे आ जाओ। तो इस प्रकार के काम भी इसके ऊपर जो कुछ है वो ना तो मैं ला सकता हूं ना ही वड़ा साहब ला सकते हैं ना ही डी साहब ला सकते हैं ना ही कोई पुलिस ला सकते हैं, ये इस प्रकार का जो हम कुछ है वो आप लोग ला सकते वो मुख्यमंत्री ये कि मैं ये भी कहूंगा शर्मशार होकर इसको मानेंगे, मैं ये कहूंगा गर्व से और ये कहेंगे कि ये भी मेरे बच्चे हैं ये भी मेरे लाभ हैं, इसका लाभ मिल पाएगा। और आज जो ईमानदारी वफादारी से पत्रकारिता करते हैं शायद कुछ सबसे भी बात है, और जो भाग्य की बात है सबको पता ही है हमारे दाएं बाएं क्या कम से कम आज के संकल्प के लोग 6 महीने तक चाहे तो राज्य मंत्री हो मंत्री हो हम काफी उनकी निगाह में आएंगे शायद यानी कि 12 साल तक पूरी कर जाते क्या हमारे 6 महीने बाद कुछ आदमी कुछ चाहता हूँ 4 महीने हैं चारों एक तो मुगिल ने बुलाया था 100% वो लोग आए 101 बंदे एक बंदे के उसका नाम है सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सोमनाथ जी से रिक्वेस्ट करूंगा जो रोहतक से है अजय जी कहना भिवानी से रोहतक मिले राष्ट्रीय रामचंद्र सैनी जी विजय कौशिक जी से नावलों से आया है विरुचि सैनी रामचंद्र नावलों से बुलाओ बड़ा बनना ओम पाला जी ये कोशिश की नावों से सीनियर अंकल चौधरी गया आइए सैगर साहब सारी जा रहे डॉक्टर रमन सिंह जी डॉक्टर रमन सिंह जी बाहर से जो साथी आए हैं वो फटाफट आई होंगे बाहर के लोग हैं कैथल से नारकोल से और सैनी साहब जरूर कबूल जी मैं कुछ साथी हैं जरूर कबूल जी हमारा से जमीन
मैं साथ ही मैं अभी जनता जी से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आज रिक्वेस्ट करूंगा वीरेंद्र त्यागी जी ने तो कमाल ही कर दिया है, बिग कमाल है। गॉड ब्लेस यू, मैं तो ये सब खुश हो आपकी इज्जत बनी रहे। ये वीडियो चीज में मैं बात कर सकती संजय रेडियो के इंचार्ज हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा इशू की ऑर्डर सर। हाँ जी इधर बीच में। हाँ और आप अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे एक कहने पे आगे को कि इनका बहुत बड़ा व्यापार है गनौर से कमान जोशी रदौर रविंद्र मेहता जी।